जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों यह अंतिम यात्रा का काफिला देख रहे हैं, जो आपको बताते चले कि झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले शहीद जवान पंकज पटेल का अंतिम यात्रा का वीडियो है। यह जवान देश की रक्षा करते हुए सोमवार को पटियाला में शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ था। पूरे परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। कहा जाता है मेरे दोस्त कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। आपको बताते चले कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए पटियाला में शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर पहुंचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ था। आज शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर इनके पैतृक आवास पर लाया गया, जहाँ पर लोग अंतिम यात्रा में हजारों सैकड़ों जनसैलाब उमड़े थे। सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। लोग अंतिम यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद पंकज कुमार पटेल तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक इलाके। लोग अंतिम यात्रा में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे थे और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर शहीद जवान का अंतिम विदाई दिए। शहीद जवान का पूरे राजकीय सम्मान से साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बताते चले कि शहीद जवान पंकज पटेल बीते 4 वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए सोमवार को शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर पहुँचते ही पूरे घर पर मातमी का माहौल बन चुका था। आज शहीद जवान का पार्थिव शव को देखते ही माँ और पिता सभी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। बताया जा रहा है कि शहीद जवान पंकज पटेल दो भाई थे। दोनों भाई में सबसे बड़ा यही था, घर का इकलौता कमाऊ पुत्र था, जो कि देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिए। शहीद जवान पंकज पटेल के बताया जा रहा है कि होली के बाद शादी होना था। पूरे घर पर खुशियां का माहौल बन चुका था, लेकिन बेटे के शहीद होने की सूचना घर पर आते ही पूरे घर पर खलबली मच गया। सारे परिवार के रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था, क्योंकि घर का शादी का माहौल बन चुका था। पूरे घर पर लोग उत्साहित थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने छुट्टी लेकर घर आए हुए थे, लेकिन 4-5 दिन छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी चले गए थे, जहाँ पर पटियाला में सोमवार का इनका शव बैरक में पाया गया, जहाँ पर शव को देखते ही साथियों को खलबली मच गया। साथियों ने जैसे ही अधिकारी के यह सूचना दिए तो अधिकारियों ने इनके परिजनों को फोन करके सूचना देते ही पूरे घर पर बेहोशी का माहौल बन चुका था। घर पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मासूम बेटा जो देश की रक्षा करते हुए कैसे ही शहीद हो जाते हैं। आज शहीद जवान का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होते हैं। अगर शहीद जवान पंकज पटेल के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय जरूर लिखना। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि शहीद जवान से वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से